चंडीगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद चंडीगढ़ के सभी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। यहां तक कि पीजीआई जैसे बड़े संस्थान में भी कोविड पेशेंट को बेड लेने के लिए मारामारी चल रही है और कई दिनों की वेटिंग का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने संस्थाओं और समाज सेवियों से आग्रह किया था कि वो आगे आए और कोविड पेशेंट की मदद के लिए मिनी कोविड सेंटर बनाए, जिस पर प्रशासन द्वारा उन्हें जगह मुहैया करवाई जाएगी। ऐसी मुश्किल घड़ी में अब गुरु ग्रंथ सेवा सोसाइटी आगे आई है, जो 50 बेड का कोविड सेंटर बना रही है और ये कोविड सेंटर सेक्टर 23 बाल भवन में बनाया गया है, जो सोमवार से शुरू हो जाएगा। जिवें आप सारे नु पता है कि कोविड ने एक बड़ा ही भयानक रूप धारण कर लिया और ये सिस्टम बन गया कि साडा एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट टोटली कलैप्स कर गया। अज तुहाडे कोल लखां करोड़ां रुपये ने, ना तुसीं ऑक्सीजन सिलेंडर लै पा रहे हो, ना ऑक्सीजन लै पा रहे हो, ना किसी हॉस्पिटल विच बैड है, ना किसी हॉस्पिटल विच वेंटीलेटर है। सो सतगुरु ने साडी संस्था गुरु ग्रंथ साहिब सेवा सोसाइटी ते तरस कीता कि इस औखे टाइम ते, जिवें तुहानूं पता है कि अज दे दौर दे विच अगर एक घर दे विच करोना पेशेंट है ते दूजा परिवार उसदे कमरे च वी नहीं वड़दा, हाथ नहीं लाउंदा। सानूं इह बड़ी प्यारी ते पवित्र सेवा उन्होंने बख्शी है ते एडमिनिस्ट्रेशन ने सानूं एक बिल्डिंग बाल भवन ये दिती ते असीं उन्हां नूं इह कह के आए। उन्होंने मैनूं एक सवाल कीता सी, तुहानूं बिल्डिंग दे देंगे ते किन्ने देर दे विच तुसीं किन्ने दिनां शुरू करोगे, तो मैं कहा गुरु की कृपा रही तो 48 घंटे प्रोफेशनल हॉस्पिटल जिहड़ा सी संगतां नूं ये असी बना के दे देंगे। तो मैं पूरा ही उम्मीद है कि साड़ियां सारियां तैयारियां आलमोस्ट कंप्लीट हो गई, जिवें आप जी देख रहे हो हर बैड ते ऑक्सीजन दी असी और कर दी हैगी है, बैड बैडिंग्स ईवन कि असी टीवी तक लगा रहे हैं, सारा एमरजेंसी डॉक्टर्स ये वो सारिया जिहड़ियां चीज़ां असी इन्हां नूं इकट्ठा करके कल सवेरे गुरु नानक साहब की कृपा नाल असी इत्थे 50 पेशेंट एडमिट करने दे पोजीशन ते। नोडल ऑफिसर यशपाल गर्ग ने भी श्री गुरु ग्रंथ सेवा सोसाइटी द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की और कहा कि सोसाइटी की ओर से हमेशा मानवता की सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं। ये ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिस तरह से ऑक्सीजन जहाँ से सप्लाई करवा रहे हैं वहीं के साथ इनको भी हम लिंक कर देंगे। तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उन्होंने खुद ने अरेंज किए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर सारा कुछ इन्होंने अरेंज किया है, हम एक पैसा खर्च नहीं कर रहे ना हम इनको कुछ मदद दे रहे हैं, हमने एक जगह दी है। बाकी का जो इनका ये भी कहना है कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेंगे आप उनको भरवा दीजिए, जो उसका खर्चा आएगा पैसा आएगा वो भी यही देंगे, तो जो अरेंजमेंट है वो हम जरूर करवा देंगे। इनका ये बहुत बड़ी इनकी वो है, धर्म का काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि जितना हम सोच रहे हैं उससे आगे बढ़ के, दो कदम आगे बढ़ के काम। गुरु ग्रंथ सेवा सोसाइटी हमेशा से जरूरतमंदों के लिए काम करती आई है और इस महामारी के दौर में भी ये संस्था मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, जो कि सराहनीय है। सेक्टर 23 बाल भवन में कोविड मरीजों के लिए 50 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है और इस अस्पताल में मरीजों के खाने से लेकर डॉक्टरों तक की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।